हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज की उन्नत खेती। यदि आप प्याज की उन्नत खेती कर रहे हैं, प्याज की खेती कर रहे हैं, तो आप इन 6 बातों को ध्यान में जरूर रखें, या फिर कह सकते हैं यह 6 गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलने वाली है, और उपज और उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ बढ़वार और पौधा ठीक तरीके से विकास करेगा। किसान भाइयों, इस वीडियो को हर बार की तरह लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, वेजिटेटिव ग्रोथ में जरूरी होता है सही विकास। यदि सही विकास नहीं होता है स्पेशल वेजिटेटिव ग्रोथ में, जब हमारी फसल 30 दिन से लेके या फिर 25-30 दिन से लेके 50-55 दिन के आसपास, यह एक ऐसी ग्रोथ होती है, यदि सही दिशा पर सही विकास होता है तो ही हमारी फसल का उपज और उत्पादन बढ़ता है। तो यही वो अवस्था होती है जब हम अपनी फसल को ठीक तरीके संभाल सकते हैं। इस स्टेज पर माइक्रो न्यूट्रियन, मैग्नीशियम सल्फेट, यूरिया और NPK खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं वनस्पतिक अवस्था में नाइट्रोजन की आवश्यकता। तो वनस्पतिक अवस्था में आप नाइट्रोजन खाद का ही इस्तेमाल करें। इसके बाद यानी 50-55 दिन के बाद आप नाइट्रोजन का यानी यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसकी पूर्ति करने के लिए आप अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं नंबर 3, प्याज में 40 दिन के बाद थ्रिप्स अधिक आती है। यानी थ्रिप्स को हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, और जब हमारी प्याज की फसल लगभग 35-40 दिन की होती है तो अधिक मात्रा पर थ्रिप्स का और रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप सिजेंटा कंपनी की अली का स्प्रे कर सकते हैं, मोमेंटो एनर्जी का आप स्प्रे कर सकते हैं, जो मुख्य रूप से थ्रिप्स की रोकथाम करती है। किसान भाइयों, बात करते हैं नंबर 4, पीलापन। प्याज की फसल पर पीलापन बहुत ही आम समस्या है, और पीलापन को यदि हम समय रहते दूर नहीं करते हैं तो हमको काफ़ी उत्पादन में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, और फसल भी कमज़ोर हो जाती है। तो आवश्यकता अनुसार ही हमको सिंचाई करना चाहिए। सबसे पहली तो बात यह है कि आवश्यकता अनुसार ही आपको सिंचाई करना है। कैल्शियम नाइट्रेट आप खाद दे सकते हैं, माइकोराइजा दे सकते हैं, और आप सागरिका खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सागरिका दानेदार आती है। बात करते हैं नंबर 5, PGP यानी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का। हम अपनी प्याज की फसल पर 30-55 दिन के बीच आप एक स्प्रे जरूर करना चाहिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर 19-19 प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। पोषक सुपर, ईसा ब्योन, सागरिका, लिक्विड फार्म वाली आती है, बायोबीटा और मैकेरीना, किसी भी एक का आप स्प्रे कर सकते हैं अपनी प्याज की फसल पर। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्याज की फसल है ठीक तरीके से ग्रोथ होगा। आइए जानते हैं नंबर 6, PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का एक स्प्रे आपको प्याज की फसल पर जरूर करना चाहिए। जब प्याज की फसल 80 दिन के बाद आपको सिंचाई करके ही पैक्लोबुट्राजोल 23% SC का प्रयोग करना चाहिए। पैक्लोबुट्राजोल मुख्य रूप से कंद के आकार में वृद्धि करने के लिए सबसे मुख्य रूप से योगदान निभाता है। तो पैक्लोबुट्राजोल 23% SC को आप स्प्रे कर सकते हैं, और सिंचाई के माध्यम से आप दे सकते हैं। 60-70 ml पर्याप्त होता है प्याज की फसल पर। याद रखना है कम से कम 80 दिन की आपकी फसल होना चाहिए। जो सिजेंटा कंपनी की कल्टार पर और इसके अलावा FMC की लगन पर आपको यही टेक्निकल्स मिल जाता है। किसान भाइयों, प्याज की फसल पर आपको यह 6 काम जरूर करना है। इससे न केवल उपज उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि कंद के आकार में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। चमकदार आपकी फसल होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।